this is Kerala special chicken. And also on our way, Kerala is. I met few brothers from Russia. Brothers, say hi. Hi. Meet Alexander and you. I'm Nisha. Nisha. Hello. Have it. What's there? Take. Mix it with the rice. Yes. पूरे ले लिया अभी. तो पिछले एक हफ्ते से अपना रॉकी यहाँ पे पार्क किया हुआ था. दिस इज द ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, द हॉस्टलर विच इज इन मुन्नार. एंड फिलहाल रॉकी यहाँ पे पूरा सेट है निकलने के लिए, मैं भी यहाँ पे पूरा तैयार हूँ. स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मुन्नार. तो ये है द हॉस्टलर. से 1.5 किलोमीटर बाद आप पहुंच जाओगे मेन हाईवे पे. तो बस ये जो स्ट्रेच है ना, ये स्ट्रेच आपको थोड़ा सा कवर करने में थोड़ा सा मैं भी दिक्कत हो सकता है. इफ यू आर एन एडवेंचर लवर लाइक मी, रात के टाइम पे यहाँ पे आओ, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा. और अगर मज़ा ना आए तो पैसे वापस. एंड वैसे टू बी एग्जैक्ट, दिस प्लेस इज कॉल्ड चिन्ना कनाल. चिन्ना कनाल में है अभी हम फिलहाल. एंड मुन्नार जो है, मुन्नार टाउन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है. में आपको बहुत सारे पहाड़ देखने को मिल जाएंगे. मुन्नार लाइज इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. तो अभी वैसे हम इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही है. यही रास्ता जो है, यही रास्ता थोड़ा सा खराब है. यहाँ पे आपको बोर्ड दिखेगा द हॉस्टलर का. यहाँ पे और भी बहुत सारे होटल्स वगैरह है, रिजॉर्ट्स वगैरह है. तो दिस इज़ द मेन हाईवे. अगर आप राइट की ओर जाओगे आप पहुंच जाओगे बेंगलोर की ओर. एंड दिस इज़ टूवर्ड्स मुन्नार. लेफ्ट का रास्ता है मुन्नार के लिए. तो अपने को भी लेफ्ट का रास्ता पकड़ के बोले मौसम पहाड़ रस्ते, ये अपने को डेफिनेटली आज याद आने वाले जब हम पहुंच जाएंगे अपने घर. अगर sunglass ha ayyo ipo kondu varle kaiyila irukku ha kaiyila irukku sunglass kaiyila irukana inge illa ha two days kondu vandaachu inge kya bolu 2 days inge kondu vandhe neenga yaar varala anga vachaachi ini ennaiku varum aru hindi theriyuma next ennaiku varum I'm from tripura bro
त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यस। तो सीन बेसिकली ये है कि जिस दिन मैं वो वाटरफॉल के वहाँ पे गया था, लक्कम वाटरफॉल गया था, लौटते वक्त बारिश हो रहा था जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। एंड मेरा जो सनग्लास है, सनग्लास यहाँ पे मैं छोड़ के गया था दो तीन दिन पहले, एंड अभी मेरे को लेना था क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आए अन्ना के घर पे रखे हुए, आई मीन चट्टा के घर पे रखा हुआ है। यहाँ पे अन्ना नहीं बोलते, मलयालम में चट्टा बोलते हैं। घर पे जाएंगे, अपना सनग्लासेस कलेक्ट करेंगे एंड देन मुन्नार एक्सप्लोर करेंगे। मुन्नार को वैसे बहुत पहली मैं छोड़ के आ गया, मुन्नार का रास्ता सीधा था एंड मैंने राइट टर्न ले लिया। दिस इज द रूट टुवर्ड्स लक्कम वाटरफॉल। हाँ वन पीपल मटवा बैठिए लेपड़ी यार रे। हाँ थैंक यू सीधा। बापदासी बेटर लीला दहे दमनी। हाँ 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 बोलना चाहिए। हाँ यू नॉट कम ना पर ये बोल रहा है। सॉरी चट्टा, आई वाज आउट ऑफ मुन्नार। तो यहाँ से राइट लेना होगा। चलो कश्मीर वर्जन ऑफ आवर मेखली वाला चापा दबा गान। इन आवर प्लेस देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल टी गार्डन कॉल्ड मेखली वाला टी गार्डन। दिस तो चट्टा इतना दूर वहां पे दुकान है, कितना अराउंड 6 किलोमीटर। हाँ 6-7 किलोमीटर होगा। ये जगह बादलों से ढका हुआ है, पहाड़ है, ये पूरा जगह जो है पहाड़ों से सराउंडेड है। सब ठीक है सर? दादा एक हाथ मिलाऊ भलो तो बो भलो से नहीं ठीक है। त्रिपुरा असम त्रिपुरा। हाँ सौरभ सौरभ असम भी जाते है ना? अच्छा तो यहाँ से चाय पत्ती जो है वो असम भी जाते है। थैंक यू। ये किधर गिर गया था? टस्ट इवन कड़े वसीपीटा कड़े पात रेल को सन ग्लासेस भी मिल चुके हैं। ये जगह भी अपने को देखने को मिल गया। ऑल थैंक्स टू आवर चट्टा बाय। भालो देखो, बोधी दी का लक्ष्य रखो। टाटा चलो। Mission sunglasses successful. Thank you so much, Atta. Thank you so much. Thank you so much, Atta. थैंक यू। मिशन सनग्लास यहाँ पे सक्सेसफुल होता है। तो जैसे कि आप लोग को पता है धनुषकोडी में अपना जो महंगे वाले सनग्लासेस थे, महंगा वाला सनग्लास अपना वहाँ पे टूट गया था, गलती से बाइक से गिर गया था एंड कोई गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गया था। तो वो वाला अभी भी पड़ा हुआ है लेकिन वो कोई काम का नहीं है, वो टूट चुका है। थैंकफुली ये वाला मैं घुमाया नहीं हूँ, ये वाला अपने को मिल चुका है। ऑल थैंक्स टू आवर चट्टा हियर। ये है उनका दुकान एंड अगर आप कभी भी यहाँ से जा रहे हो उनके दुकान पे जरूर रुकिएगा। दिस इज द प्लेस मुन्नार ट्रीट। इससे पता है क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि यहाँ पे लोग कितने ज़्यादा अच्छे हैं। आप सोचो ये सनग्लासेस वो किसी और को दे भी सकते थे, उनका बेटा पोता किसी और को भी दे सकते या फिर खुद भी रख सकते थे। जब आया यहाँ पे उन्होंने बताया कि 2 दिन तक उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ था एंड कल ही जस्ट उन्होंने
वो घर लेके चले गए थे, क्योंकि मैं दो दिन से आया नहीं। दिस प्रूव्स के केरला में लोग कितने ज़्यादा सच्चे और अच्छे हैं। बस क्या है कि कभी कभी थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाता है, बट अदर देन दैट एवरीथिंग इज बढ़िया। अभी चिट्टा बता रहे कि उनके घर के वहाँ पे एलिफेंट्स आते हैं, मैं जहाँ पे अभी गया हूँ एलिफेंट्स आते हैं। दिस इज लाइक रियली फैसिनेटिंग के अभी भी ऐसे ऐसे जगह है केरला में जहाँ पे आपको रास्ते के बीच में एलिफेंट्स जाते हुए दिखेंगे। मुन्नर में कुछ ही दिन पहले हमारे हॉस्टेलर वाले भाई जो है वो बता रहे थे अपने को कि रास्ते के बीच में से एक एलिफेंट आ गया, मतलब नहीं पता कहाँ से आया लेकिन रास्ते के बीच में एलिफेंट चल रहा था। केरला में आपको बहुत सारे ऐसे जगह है, कहीं पे भी यू माइट स्पॉट एन एलिफेंट। यहाँ पे फिलहाल अपना बूस्ट चल रहा है एंड डबल ऑमलेट बोल दिया, खाएंगे पियेंगे क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सुबह को मैं उठा था लेट क्योंकि सोया था मैं सुबह के 6 बजे, क्योंकि सुबह के 5 बजे तक अपना जैमिंग सेशन चल रहा था हॉस्टल में। हॉस्टल में हर रात को ऑलमोस्ट जैमिंग होता है, सब लोग आते अलग अलग जगहों से, सब लोग आते अलग अलग स्टेट से, इन वहाँ पे बैठ के हम लोग गाना वाना गाते हैं। हमारे अर्जुन भाई गिटर विटर बजाते हैं। वैसे राइट नाउ इट्स 220 एंड यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। जियो का नेटवर्क कुछ कुछ जगहों पे ज़्यादा मिलता है, कुछ कुछ जगहों पे मिलता ही नहीं है। बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बहुत ही प्यारे लोग हैं यार, बहुत ही प्यारे लोग हैं। केरला को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। दिस इज माई लास्ट डे हियर इन केरला। शिट यार, बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। एंड इसी के साथ हम लोग अभी मुन्नार मार्केट पे पहुँच चुके हैं। ये भी आपका मार्केट है एंड वहाँ पे भी एक और मार्केट है। बेसिकली अभी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग अभी मुन्नार टाउन में है। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यार। आपको साइक दो त्रिपुरा। यहाँ पे खाली कार्ड और कैश में पेमेंट होता है, गूगल पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र ये सब वगैरह कुछ नहीं होता है। एंड फिलहाल पेट्रोल का प्राइस है 109.71, बोले तो 110 रुपये है पेट्रोल का प्राइस। सो रिफ्यूलिंग हैज़ बीन डन एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। भी अभी मैंने जस्ट क्लिप्स चेक किए, आज जितना भी शूट किया था कल के भी क्लिप्स मैंने अभी चेक किए, ऑडियो जो है ऑडियो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। मेरे को ये जो माइक है ये माइक चेंज करना होगा बैंगलोर पहुँच के। आने वाले 2 व्लॉग्स तक बस झेल लेना यार। गेस अपने को राइट जाना है। यहाँ से अगर सीधा जाएंगे हम लोग पहुँच जाएंगे मेन मुन्नार टाउन एंड यहाँ से अगर हम लोग जाएंगे पहुँच जाएंगे चिन्नाकनल हाईवे पे। चिन्नाकनल जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे अपना हॉस्टल है फिलहाल। दिस इज इट, द गवर्नमेंट बोटैनिकल गार्डन मुन्नार। आपको यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे फूल पौधे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जिनको पेड़ों का जिनको फूलों का ज़्यादा शौक है वो लोग जा सकते हैं। मेरे को तो फिलहाल पहाड़ों का शौक है, इसीलिए हम रस्तों पे ही बस चल रहे हैं। मुझे इश्क ले जा रहा है कहाँ। ये जो आप पहाड़ देख रहे हो मानसून के टाइम पे यहाँ से झर्रा बहते लिटरली। मैंने ऐसे बहुत सारे फोटोज और वीडियोस में देखा है, जैसा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में आपको बहुत सारे झरने देखने को मिलेंगे, वैसे यहाँ पे मुन्नार में आपको बहुत सारे ऑन द वे झरने आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा शशांक भाई आ चुका है एंड ही इज द ओनली वन जो कि अभी फिलहाल हमारे हॉस्टेलर में है। अपने मतलब अपने बंदे बोलते हैं ना, तो अपना बंदा खाली यही हमारे शशांक भैया रह गए। एंड सबसे पहले अपने को हर्षा भाई छोड़ के गए पहले दिन, फिर दूसरे दिन गए हमारे कृष्णा भाई एंड कल गए हमारे विजय भाई। हम जा रहे हैं और हमारे शशांक भाई रह जाएंगे अकेले। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद वो भी चले जाएंगे एंड होपफुली विल मीट समवेयर इन बैंगलोर। ये अपना हॉस्टल वाला रास्ता, हम लोग अभी फिलहाल मेन हाईवे पे खड़े हुए एंड मेरे को अचानक से ये चीज़ दिखा, कुलुकुमलाई जीप सफारी। मैं बताना भूल गया था आप लोग को, मुन्नार अगर आप कभी भी आ रहे हो यहाँ पे सनराइज और सनसेट अब ज़रूर इन्जॉय कर। सनसेट इन्जॉय करता हूँ एंड एक दिन शायद से मैंने सनराइज इन्जॉय किया था, वो वही अपने होटल के टेरेस से, आई मीन हॉस्टल के टेरेस से। लेकिन इस पर आपको मज़ा नहीं आएगा, जिस पर आपको मज़ा आएगा वो है कि कुलुकुमलाई जीप सफारी।
यहाँ से सुबह को 4-4:30 बजे को आपको जीप आके लेके जाएगा, फिर वहाँ तक 40-50 मिनट का, एक घंटे का ऑलमोस्ट ड्राइव है, ऑफ रोड पैच है, एंड फिर वहाँ से 10-15 मिनट आपको ट्रैक करके जाना होता है जहाँ से आपको सनराइज दिखेगा ना बॉस, दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे, यहाँ पे बहुत सारे लोग गए, मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरे को बाइक लेके जाना था, एंड बाइक लेके आप वहाँ पे प्राइवेट व्हीकल लेके आप वहाँ पे जा नहीं सकते हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिशन चाहिए, तो वो परमिशन के बिना आप वहाँ पे जा नहीं सकते। वैसे तो ये गुजरात के हैं लेकिन आए बैंगलोर से बाइक चला के यहाँ तक, तो इसीलिए हम लोग और ज़्यादा अच्छे से वाइब कर पा रहे हैं यार, राइडर्स राइडर्स। पूरा खाली था, फिलहाल रॉकी को कर दिया यहाँ पे पार्क, अपने भाई का भी बाइक यहाँ पे पार्क है, एंड वी आर गोइंग विद आर खाना। अभी यहाँ पे अपना छोटा सा पिकनिक होने वाला है, यहाँ पे पेप्सी एंड यहाँ पे पाइन एप्पल, तो ये सब लेके अभी हम लोग जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे आने का प्लान इसीलिए था क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे यहाँ पे कोई भी नहीं था, अपने चार लोग मिलके, मैं, कृष्णा भाई, हमारे शशांक भाई और हमारे विजय भाई मिलके यहाँ पे बैठे हुए थे घंटों तक, एंड कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, बस ऐसे चिल मार रहे थे, लेकिन सैडली अपने पास कोई कैमरा नहीं था। हाँ, अरे बाप रे, क्या कट मारा ऑटो ने, अनाई रनकल डैम, ये भी एक्चुअली मुन्नार के टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस में से आते हैं, चल के जा रहे हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, वही सेम लोकेशन पे बैठते जा रहे सौरभ, जाना है क्या भाई? यही जगह ही बेस्ट है।